आइए अब हम किसी एक धातु का उदाहरण लेकर इस पूरी प्रोसेस को दोहराते हैं। हम उदाहरण ले रहे हैं लोहे का। आप जानते हैं कि लोहा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण धातु है और लोहे का हमारी मानव सभ्यता के विकास में भी काफ़ी महत्व रहा है। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़े युग को लौह युग के नाम से जाना जाता है और यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला युग रहा है। तो आइए जानते हैं कि लोहे को उसके अयस्क में से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि लोहा भी एक सक्रिय धातु है और इसीलिए यह वातावरण में मुक्त अवस्था में न मिलकर संयुक्त अवस्था में मिलता है। यह अपने ऑक्साइड अयस्क जैसे कि हेमेटाइट मैग्नेटाइट के रूप में मिलता है। इसी तरह से यह अपने कार्बोनेट अयस्क जैसे कि सिडेराइट के रूप में तथा सल्फाइड अयस्क पाइराइट के रूप में मिलता है। तो इन अयस्कों में से हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे कि हमने जाना कि हेमेटाइट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट का उपयोग ही लोहे को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि हेमेटाइट अयस्क से लोहे को शुद्ध रूप में किन विधियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारे जो धातुकर्मी प्रक्रम का पहला पद होता है धातु अयस्क का सांद्रण। और सांद्रण में हम जानते हैं कि सबसे पहले हम करते हैं पल्वराइजेशन, यानी कि जब हम हेमेटाइट अयस्क को लेकर आते हैं तो सबसे पहले हम उसकी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, उसे तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर उसे पीस कर बारीक पाउडर बना लेते हैं और इसके बाद हम करते हैं इसका सांद्रण। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हेमेटाइट अयस्क है इसका द्रव्यमान अपने गैंग या अधात्री की तुलना में काफ़ी अधिक होता है और इसीलिए हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग इसके सांद्रण के लिए करते हैं। अब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की पूरी प्रोसेस आप पहले समझ चुके हैं। इसके बाद सांद्रित अयस्क का हम से धातु के निष्कर्षण की प्रोसेस करने के लिए हम यहाँ पर पहले चूंकि यह हेमेटाइट अपने ऑक्साइड अयस्क में होता है और इसीलिए हम इसका भर्जन करते हैं और भर्जन करने के लिए जब हम इसका इसके वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर इसके गलनांक से नीचे गर्म करते हैं तो ये इसमें उपस्थित सल्फर आर्सेनिक आदि की जो वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं वो निकलकर बाहर हो जाती हैं। आर्सेनिक अपने ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है, उसी तरह से सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है और इस तरह से हमें भर्जित अयस्क प्राप्त हो जाता है जिसमें कि धातु हमें ऑक्साइड के रूप में मिलती है, यानी कि जो लोहा है अपने ऑक्साइड Fe2O3 के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। अब हमें करने हैं धातु ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण और इस तरह से धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए हमें अपचयन की क्रिया करनी होती है और अपचयन करने के लिए हम धातु के ऑक्साइड को कॉपर या कोक के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं और इसके लिए लगभग हमें 1800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है और इस ताप को बनाए रखने के लिए हमें एक बहुत अच्छे फर्नेस की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए हम यहाँ पर एक ब्लास्ट फर्नेस या वात्या भट्टी का उपयोग करते हैं और इस वात्या भट्टी में हम उच्च ताप पर प्रगलन की क्रिया स्मेल्टिंग की क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वात्या भट्टी की बनावट कैसे होती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं ये लगभग बेलनाकार आकार की भट्टी होती है जो काफ़ी ऊंची और काफ़ी अधिक व्यास वाली होती है। यह इस्पात यानी कि स्टील की बनी हुई होती है, साथ ही साथ इसकी जो अंदरूनी सतह होती है वह अग्नि सह ईंटों की बनी होती है। अग्नि सह ईंटें से तात्पर्य यह है जो कि उच्च तापमान सह सकें और इस तरह से यहाँ पर इसके निचले भाग से हम देखें तो निचले भाग में दो आउटलेट होते हैं जिसमें से एक स्लेज या धातुमल के बाहर निकलने के लिए होती है जबकि दूसरा
पिघली हुई धातु यानी कि मैट के बाहर निकलने के लिए होती हैं। इसके थोड़े से ऊपर जाने पर आप देखें कि दोनों तरफ दो पाइपें लगी हुई होती हैं, जिससे इस भट्टी के अंदर गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। ये गर्म वायु लगभग 700 डिग्री से 800 डिग्री तापमान पर अंदर भेजी जाती है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ चलें तो ऊपर एक तरफ यहाँ पर आउटलेट पुनः हमें दिखाई देता है, जो कि व्यर्थ पदार्थों या व्यर्थ गैसों के बाहर निकलने के लिए होता है। अब बारी आती है इसमें से पदार्थ को अंदर डालने की। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में हम देखें कि एक कप एंड कोन सिस्टम होता है। यहाँ पर जो एक कोन नामक संरचना बनी होती है, जिसके नीचे जाने से दोनों तरफ ये इसमें खुल जाता है, जिससे हम अपने चूर्णित अयस्क या जिसे हम चार्ज कहते हैं उसे अंदर डालते हैं। और जैसे ही पूरा चार्ज अंदर जाता है, यह कोन ऊपर चला जाता है और फर्नेस को बंद कर देता है। यानी कि इस सिस्टम से कोई चार्ज जो पदार्थ है अंदर तो जा सकता है, लेकिन कोई ठोस पदार्थ वापस नहीं बाहर नहीं निकल सकता। तो इस तरह से ये पूरी बनावट होती है वात्य भट्टी की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं या प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि जो दो पाइपें होती हैं जिसमें से गर्म वायु भेजी जाती है, ये जो गर्म वायु है इसका तापमान लगभग 700 से 800 डिग्री होता है। ऊपर से जैसे ही चार्ज अंदर डाला जाता है, और हम ये बता दें कि ये जो चार्ज है उसमें मुख्य रूप से अयस्क होता है, चूर्णित अयस्क जो कि 8 भाग जिसके होंगे। साथ ही साथ इसमें डाला जाता है अपचायक पदार्थ यानी कि कोक या कोयला, जो कि उसके 4 भाग होते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक डाला जाता है फ्लक्स या गालक पदार्थ, जो कि चूना होता है, जो कि 1 भाग होता है। यानी कि इनका अनुपात इस तरह से होता है, 8 भाग यदि चूर्णित अयस्क है तो 4 भाग कोक होता है और 1 भाग इसमें गालक या फ्लक्स यूज किया जाता है, जो यहाँ पर चूना होता है। इन सब को मिलाकर जो मिश्रण बनता है उसे हम चार्ज कहते हैं। अब जैसे ही भट्टी के ऊपर से चार्ज नीचे डाला जाता है, नीचे से गर्म वायु प्रवाहित होती है। ये गर्म वायु सबसे पहले कोक से क्रिया करती है, और कोक ऑक्सीजन, चूँकि वायु में ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर कोक का दहन होता है। और हम जानते हैं कि जब दहन होता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जिससे भट्टी का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि स्मेल्टिंग या प्रगलन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पर कोक कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और चूंकि हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर कोक अधिक मात्रा में डाला जाता है, इसलिए कुछ कोक सीधे अब कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया कर लेती हैं, और इस तरह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही हमारे वात्य भट्टी के अंदर धातु ऑक्साइड के अपचयन का कार्य करती है, यदि यही मुख्य अपचायक पदार्थ होती है। इसके अलावा कुछ कोक ऑक्सीजन की कम मात्रा से क्रिया करके सीधे कार्बन मोनोऑक्साइड में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान काफ़ी ऊष्मा निकलती है, जिससे भट्टी के अंदर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम ये भी बता दें कि जो वात्य भट्टी के अंदर का तापमान पूरी भट्टी में एक समान नहीं रहता है, जो इसीलिए इस भट्टी के अलग अलग क्षेत्र को हम अलग अलग जोन में बांट देते हैं। जैसे कि सबसे जो निचला क्षेत्र होता है, इसका तापमान सबसे अधिक होता है, यह लगभग 1200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्चतम कहें तो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और इसे हम दहन का क्षेत्र कहते हैं। इसके ऊपर जो कम तापमान का मध्यम तापमान का क्षेत्र होता है, लगभग 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का, इस तापमान को हम ऊष्मा अवशोषण का क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा ऊपरी तापमान
कम होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान कम होता जाता है, ऊपरी तापमान जो 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड का क्षेत्र होता है उसे हम अपचयन का क्षेत्र कहते हैं, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा आयरन के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है वह इसी क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि दहन क्षेत्र में मुख्य रूप से कार्बन का दहन होता है और उच्च तापमान उच्च ऊष्मा निकलती है। इसके बाद जो ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र होता है, यहाँ पर हमने देखा कि हमने अयस्क के साथ कोक डाला था और साथ ही साथ यहाँ पर हमने गालक जो कि चूना था उपयोग किया था। तो ये जो ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में गालक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का टूटता है, ऊष्मा अवशोषण, इसीलिए ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो ऊष्मा का अवशोषण करता है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अब ये जो निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है इसे भी बाहर नहीं भेजा जाता है, भट्टी के अंदर ही रखा जाता है ताकि आगे की प्रक्रिया में इसका उपयोग हो सके। अब यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड बना यह यहाँ पर क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा अयस्क होता है उसमें सिलिका यानी कि रेत भी अशुद्धि के रूप में उपस्थित होती है जो कि सांद्रण की प्रक्रिया के फलस्वरूप बाहर नहीं निकलती है, और उसे हटाने की जो प्रक्रिया है वह भी वात्या भट्टी के अंदर ही होती है। तो यहाँ पर इस 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह जो कैल्शियम ऑक्साइड है वह सिलिका यानी कि SiO2 से क्रिया कर लेता है और CaSiO3 यानी कि कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है जिसे हम धातु मलिया स्लेज कहते हैं। अब ये इसके बाद यहाँ पर हम देखें जो अपचयन का क्षेत्र है, तो अपचयन के क्षेत्र में यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है जो कि मुख्य अपचायक होती है वह आयरन के ऑक्साइड Fe2O3 के साथ क्रिया करती है और आयरन के ऑक्साइड को आयरन धातु में अपचयित कर देती है तथा स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो अपचयन की प्रक्रिया है, अपचयन की प्रोसेस होती है वह करीब 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होती है, या यदि हम कैल्विन में कहें तो करीब 1073 कैल्विन पर होती है। तो इस तरह से वात्या भट्टी के भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं होती हैं और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक तो धातु जो अपचयित अवस्था में हमें प्राप्त हुई है और दूसरी होती है यहाँ पर धातु मल यानी कि कैल्शियम सिलिकेट। और हम ये भी बता दें चूँकि भट्टी के अंदर तापमान बहुत अधिक होता है इसलिए ये दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं वह हमें पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होते हैं और यह पिघल कर वात्या भट्टी के सबसे निचले वाले भाग पर चले जाते हैं। अब दोनों के ही घनत्व में हम देखें तो जो धातु होती है उसका घनत्व अधिक होता है इसलिए यह नीचे लेयर बनाती है, जबकि जो धातु मल है वह उसका घनत्व कम होता है और इसलिए वह धातु के ऊपर लेयर बनाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो आउटलेट बने हुए हैं, तो निचले वाले आउटलेट से पिघली हुई धातु बाहर निकलती है जिसे हम मैट कहते हैं और ऊपर वाले आउटलेट से धातु मल बाहर निकलते हैं और इसलिए इस तरह दोनों को अलग अलग एकत्रित कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमें जो वात्या भट्टी से निकल कर जो आयरन या धातु प्राप्त हुई है उस धातु यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है और इस धातु में यदि हम संगठन के दृष्टि से देखें तो इसमें आयरन के अलावा लगभग 4% कार्बन होता है और इसके अलावा इसमें सल्फर, फास्फोरस, सिलिकन जैसी अशुद्धियां भी होती हैं और इस आयरन को और ये काफ़ी नरम भी होता है और इसीलिए इस लोहे को कच्चा लोहा या पिग आयरन कहा जाता है। लेकिन यह जो कच्चा लोहा है जो भी हमारे दैनिक जीवन या औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो जरूरी लोहा, मजबूत लोहा, कठोर लोहा या आघात वर्धनीय लोहा होता है उसकी तरह नहीं होता है, अतः इसे और भी प्रोसेस के द्वारा भिन्न भिन्न लोहे में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि जो पिग आयरन होता है उससे उसमें कुछ और रद्दी लोहा की मात्रा मिला दी जाती है और फिर इसे गर्म वायु
के द्वारा फिर से पिघलाया जाता है, जिससे अब इसमें जो कार्बन का प्रतिशत है कुछ कम हो जाता है और ये करीब 3% इसमें कार्बन रह जाता है और यह ग्रे कलर के दूसरे लोहे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम कास्ट आयरन कहते हैं या जिसे हम ढलवा लोहा कहते हैं। लेकिन यह ढलवा लोहा कठोर होता है, बहुत अधिक नरम नहीं, कठोर हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भंगुर होता है, यानी कि इस पर यदि आघात किया जाए तो ये टूटने वाला होता है। लेकिन तो इसलिए इसे और ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए इसे पुनः जो ढलवा लोहा होता है उसे फिर से प्रोसेस किया जाता है और जिससे इसमें अब निश्चित तौर पर जो कार्बन का प्रतिशत काफ़ी कम हो जाता है और ये लगभग 0.5% तक रह जाता है और इस लोहे को कहा जाता है रॉट आयरन या इसे पिटवा लोहा हम कहते हैं और ये पिटवा लोहा अब काफ़ी कठोर भी होता है और आघात वर्धनीय हो जाता है और इस तरह से हम अलग अलग प्रोसेस के द्वारा शुद्ध लोहा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी धातु अयस्क से अलग अलग विधियों के द्वारा हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का धातु शिल्प। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्प कला में लौह शिल्प का प्रमुख स्थान है। प्राचीन काल में लौह युक्त पत्थरों को तोड़कर कोयले के साथ मिलाकर छाना भट्टी में गलाकर लोहा बनाया जाता था। आज भी कहीं कहीं विशेष प्रकार के पत्थर से लोहा निकालकर कलाकृतियां बनाने का कार्य किया जाता है। अधिकांशतः अब बाजार से ही लोहा खरीदकर एवं कटिंग कर भट्टी में गर्म किया जाता है तथा उससे घर में उपयोग आने वाली तथा सजावटी वस्तुएं जैसे छुरी, चिमटा, चाकू, कुल्हाड़ी, कजरौती के लिए दीप स्तंभ, घोड़ा, हिरण, फूलदान आदि बनाए जाते हैं। बस्तर के लौह शिल्प में देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए पारंपरिक रूप से कलात्मक कृतियों का निर्माण किया जाता है। लौह शिल्प से दरवाजे, खिड़कियां, झूले आदि बनाए जाते हैं। डोकरा शिल्प में शिल्पी द्वारा कलाकृतियों को मोम पर तैयार कर उसमें मिट्टी का लेप लगाया जाता है तथा इसे भट्टी में पकाकर उसमें पिघली हुई पीतल धातु डाली जाती है। पीतल मोम का स्थान ले लेती है और उस पर आकृति तैयार हो जाती है। इससे देवी देवता, हाथी, घोड़े, बैल आदि सजावटी सामग्री तैयार की जाती है। डोकरा शिल्प रायगढ़, कोंडागांव, बस्तर आदि क्षेत्रों में तैयार किया जाता है। इससे गौर का सींग, मुकुट, दरवाजे के हैंडल आदि भी बनाए जाते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणों के अंतर्गत आपने देखा कि जो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं, जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम या फिर लोहा, ये बहुत शीघ्रता के साथ वातावरण की नमी और ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं और अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। धातुओं के इस तरह नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाना धातु का संक्षारण कहलाता है और हम जानते हैं कि इस तरह से धातु जब अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी तो वह संक्षारित हो जाएगी। धीरे धीरे उसका उतना भाग जो कि ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है हमारे काम का नहीं रहता, यानी कि धातु की जो कुल वजन होता है उसमें कमी आ जाती है और इसीलिए धातु को इस संक्षारण से बचाने की आवश्यकता होती है। आपने घर में भी आप देखा होगा कि जब आप एक तांबे का कोई पात्र खरीद कर लाते हैं तो आप देखते हैं शुरू में उसकी चमक बहुत भूरे कलर की चमक दिखाई देती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो धीरे धीरे उस पर हरे काले रंग की परत जम जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और अपने कार्बोनेट यानी कि क्यूप्रिक कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी परत उसके ऊपर चढ़ जाती है और इसीलिए उसकी चमक कम हो जाती है।
इसी तरह से हम देखते हैं कि जो चांदी के जेवर होते हैं कुछ समय तो बहुत चमकते रहते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात उन पर काले रंग की परत जम जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो सिल्वर है वह वातावरण के सल्फर सल्फाइड से क्रिया करके वातावरण में जो कि सल्फर डाइऑक्साइड्स होते हैं उनके साथ क्रिया करके अपने सिल्वर सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है और जिसकी काले रंग की परत आपको चांदी के जेवर में दिखाई देती है। इसी तरह से आपने लोहे में जंग लगना तो देखा ही होगा। जब भी हम कोई नए लोहे की छड़ या लोहे का पात्र लाते हैं तो वो बहुत चमकदार और ग्रे कलर का हमें दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय तक ये खुले में पड़ा रहे तो वहाँ पर वो धीरे धीरे उस पर एक गहरे भूरे रंग की परत जम जाती है और वह भूरे रंग की परत जब यदि आप उसे घिस कर निकालें तो वो बाहर भी निकल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोहा है वह वातावरण की वायु और नमी से क्रिया करके अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इसलिए ये जिसे हम जंग या रस्ट कहते हैं। और जैसे जैसे बहुत दिनों तक लोहा इसी तरह खुले में पड़ा रहे और उस पर वायु और नमी की क्रिया होती रहे तो धीरे धीरे हमारा पूरा लोहा क्षरित हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संक्षारण है उसकी वजह से हमारे धातुओं में काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए जो बड़े बड़े भवन होते हैं उसमें भी चूँकि धातुएँ लगी होती हैं और इसीलिए समय के साथ नमी और ऑक्सीजन की क्रिया होने की वजह से उनमें संक्षारण होता जाता है। साथ ही साथ जब वातावरण में बहुत अधिक अम्लीयता या क्षारीयता हो जाती है उस स्थिति में ये संक्षारण की प्रक्रिया और तीव्र गति से होने लगती है। इसीलिए जो प्रदूषित वायु होती है या फिर अम्लीय वर्षा होती है इसकी वजह से धातुएं और ज़्यादा क्षरित होती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि इस संक्षारण की प्रक्रिया के लिए कौन कौन सी आवश्यक कंडीशंस होते हैं और उससे संक्षारण से बचने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं कि हम ये क्रियाकलाप में लोहे का उदाहरण लेंगे और हम देखेंगे कि लोहे की कील में जो जंग लगती है या जो इसकी संक्षारण की प्रक्रिया होती है उसके लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हम तीन परख नलियां ए बी तथा सी लेंगे। तीनों परख नलियों में हम एक एक लोहे की कील डाल देंगे। अब पहली परख नली ए में हम पानी डालेंगे। पानी इतना होगा जिससे कील आधी डूब पाए जबकि आधी कील पानी के ऊपर रहे। अब इस परख नली को हम कार्क से बंद कर देंगे। अब दूसरी परख नली में हम इतना पानी डालेंगे ताकि कील पूरी डूब जाए और वायु का संपर्क रोकने के लिए हम पानी के ऊपरी सतह पर तेल की कुछ बूंदें डाल देंगे और इस परख नली को भी कार्क से बंद कर देंगे। अब तीसरी परख नली सी में हम केवल एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के टुकड़े डालेंगे। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड नमी अवशोषण का कार्य करता है, इसलिए परख नली में यदि कुछ मात्रा में नमी भी होगी तो वह उसे अवशोषित कर लेगा, यानी कि तीसरी परख नली पूरी तरह से नमी मुक्त होगी जिसमें केवल शुष्क वायु होगी। अब इस परख नली को भी हम कार्क से बंद कर देंगे और तीन परख नलियों को 3 दिनों के लिए ऐसी इसी अवस्था में छोड़ देंगे। 3 दिनों के पश्चात जब हम परख नलियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो पहली परख नली है उसमें डली हुई कील पूरी तरह से जंग युक्त हो गई है, जबकि परख नली बी और में कुछ मात्रा में जंग लगी है, जबकि परख नली सी की कील में किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगी है। तो इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि किस तरह से लोहे में जंग लगने के लिए नमी और वायु
दोनों ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस परख नली में लोहे का संपर्क नमी और वायु दोनों से होता है उसमें तो बड़ी आसानी से और अधिक मात्रा में जंग लग जाती है, लेकिन जहाँ पर भी दूसरे और तीसरे टेस्ट ट्यूब में जहाँ पर वायु की मात्रा कम होती है वहाँ पर भी जंग कम लगती है या नहीं लगती है, या दूसरी तरफ जहाँ पर नमी नहीं होती है, एकदम शुष्क वातावरण होता है, वहाँ पर भी जंग नहीं लगती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोहे में जंग लगने के लिए वायु और नमी दोनों ही परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, और यदि वायु और नमी से हम इसे बचा ले या प्रोटेक्ट कर दे तो हमारा जो लोहा है वह सुरक्षित रह जाता है। वास्तव में ये जो जंग लगने की क्रिया है एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। आइए समझते हैं कि ये जंग लगने की क्रिया किस प्रकार से होती है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ पर आप देखें कि जब हमारे पास लोहे की एक परत या लोहे की एक छड़ होती है जो कि वायु में या बाह्य वातावरण में पड़ी होती है, तो इस लोहे की प्लेट जो कि शुद्ध लोहे की प्लेट है इस पर वायु और नमी का संपर्क हो जाता है, और इस तरह पे यहाँ पर ये जो लोहे की सतह होती है एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करने लगती है, यानी कि यहाँ पर एक धन क्षेत्र और एक ऋण क्षेत्र बन जाता है। जो शुद्ध लोहा होता है वह धन क्षेत्र यानी कि एनोड की तरह कार्य करने लगता है, और यहाँ पर जो कि शुद्ध लोहा आयरन जिसमें कि आयरन है यह एनोड की तरह कार्य करता है और इस पे ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगती है, यानी कि ये जो लोहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और ये जो लोहे का परमाणु है वह अपने आयन में यानी कि फेरस आयन Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और जब यह Fe से Fe2+ में कन्वर्ट होता है तो दो इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निष्कासित हुए हैं इन इलेक्ट्रॉनों को वातावरण में उपस्थित नमी यानी कि जल और ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और इस तरह से नमी यानी कि जल ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन जब इनको ग्रहण कर लेते हैं, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की क्रिया अपचयन क्रिया होती है जो कि कैथोड में होती है, तो इस तरह से जल ऑक्सीजन और ये जो एनोड से निष्कासित इलेक्ट्रॉन हैं इन आपस में मिलकर हाइड्रोक्साइड आयनों का निर्माण करते हैं, यानी कि OH नेगेटिव आयन का निर्माण करते हैं, और इस तरह से अब एनोड के में जो बना हुआ है Fe2+ आयन यानी कि फेरस आयन और कैथोड में बना हुआ हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन ये दोनों आपस में क्रिया करके फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। अब इस तरह से जो फेरस हाइड्रोक्साइड बना यह फेरस ऑक्साइड वातावरण में उपस्थित और नमी तथा ऑक्सीजन को अवशोषित करके फेरस यानी कि आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही साथ इसमें जल के अणु जुड़े होते हैं और इसीलिए हम इसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जिसका सूत्र होता है Fe2O3XH2O। यहाँ पर X की मात्रा कुछ भी हो सकती है और यहाँ पर यह इसमें हाइड्रेटेड वाटर जुड़े होते हैं और इसे ही हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं या हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड कहते हैं, और ये जो हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड है लोहे के ऊपर जो आपको भूरे कलर की परत दिखाई देती है जिसे आप जंग या रस्ट कहते हैं यह वही होती है, और जिसे आप आसानी से उस पर रगड़ कर लोहे से बाहर कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब शुद्ध लोहे की सतह पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत जम जाती है यानी कि उसकी रस्टिंग हो जाती है तो लोहे का वह उतना भाग रस्ट में परिवर्तित हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, यानी कि अब शुद्ध लोहे से उतना भाग अलग हो गया है, यानी कि आपका जो लोहा था उसका उतना वजन कम हो जाएगा, यानी कि उतना लोहा व्यर्थ चला जाता है, और इसीलिए हमें इस प्रकार के रस्टिंग या संक्षारण को रोकने के लिए कुछ उपायों की आवश्यकता होती है। तो आइए हम जानते हैं कि लोहे या अन्य धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं।
एक तो सबसे सरल उपाय है जो आप अपने घरों में करते ही हैं और जिसे हम कहते हैं रोधिका रक्षण। वैज्ञानिक भाषा में हम रोधिका रक्षण कहते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि जो भी धातु है उसकी सतह पर कुछ ऐसी लेयर लगा देना जो कि उसका संपर्क पानी और वायु से, वायु की ऑक्सीजन से होना रोक दे। और इसके लिए हम करते हैं कि धातु की सतह पर पेंट लगाना या ग्रीस लगाना या फिर घरों में तेल लगाना, और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है रोधिका रक्षण। यानी कि धातु की सतह पर हम एक बैरियर, एक रोधिका लगा देते हैं पेंट, तेल या फिर ग्रीस के द्वारा, जिससे धातु की सतह का संपर्क नमी और ऑक्सीजन से नहीं हो पाता और हमारी धातु सुरक्षित रह जाती है। इसी तरह से दूसरी विधि है विद्युत लेपन की। विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो भी धातु अधिक क्रियाशील होती है उसमें संक्षारण तेजी से लगता है, इसलिए यदि अधिक क्रियाशील धातु के ऊपर किसी कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी जाए तो उससे भी अधिक क्रियाशील धातु की सक्रियता कम हो जाएगी और उसका संक्षारण कम हो जाएगा। इस विधि को कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें कि विद्युत अपघटन के द्वारा हम किसी अधिक सक्रिय धातु के ऊपर कम सक्रिय धातु की परत चढ़ा देते हैं। इसके बाद तीसरी विधि है जिसे हम गैल्वनाइजेशन या फिर यशद लेपन कहते हैं। वास्तव में ये जो विधि है इसका वैज्ञानिक नाम होता है उत्सर्ग रक्षण। उत्सर्ग का मतलब होता है शहादत, यानी कि किसी एक धातु को बचाने के लिए हम किसी अधिक सक्रिय धातु को उसके सामने खड़ा कर दें, है ना। तो इस तरह से जो जंग लगने की या संक्षारण की क्रिया होगी वह सामने वाली अधिक सक्रिय धातु के ऊपर होगी और अंदर की धातु बच जाएगी। उदाहरण के लिए लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाना, और लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाने को ही हम यशद लेपन या फिर गैल्वनाइजेशन कहते हैं। इसके लिए जो जिंक का पिघली हुई जिंक धातु बड़े बड़े हौज में ली जाती है और उसमें लोहे की बनी हुए वस्तुओं को उसमें डुबा दिया जाता है और फिर ठंडा कर दिया जाता है, जिससे कि लोहे के ऊपर जिंक की परत जम जाती है। अब हम जानते हैं कि जिंक धातु लोहे की तुलना में अधिक सक्रिय होती है और इसीलिए यह बाह्य वातावरण के सीधे संपर्क में होती है, जिससे कि नमी और ऑक्सीजन की क्रिया जिंक धातु से होती है और उसके ऊपर वह तुरंत क्रिया करके एक लेयर बना लेती है अपने ऑक्साइड की, और इस तरह से अंदर वाली धातु के ऊपर एक अधिक सक्रिय धातु की ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण ये जो अंदर वाली धातु है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, यह सुरक्षित हो जाती है और इस पर बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता तथा इसका संक्षारण रुक जाता है। तो इस तरह से लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना यह क्रिया कहलाती है गैल्वनाइजेशन। इसके बाद और भी बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे कि एनोडीकरण, और यह विधि खासकर एल्यूमिनियम धातु के लिए उपयोग में लाई जाती है। एनोडीकरण का मतलब है धातु के ऊपर उसी के धातु ऑक्साइड की परत चढ़ा देना, और इसके लिए भी विद्युत अपघटन विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो एल्यूमिनियम धातु होती है उसका एनोड बनाया जाता है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघट्य में इसका विद्युत अपघटन करते हैं, जिससे कि जो विद्युत अपघटन के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस निकलती है यह जाती है एनोड पर, जहां पर एल्यूमिनियम धातु होती है। अब ये जो ऑक्सीजन है वह एल्यूमिनियम धातु के साथ क्रिया करती है और एल्यूमिनियम धातु के ऑक्साइड बनाती है, जो कि धातु के ऊपर ही एक लेयर के रूप में जम जाता है, और जैसे ही यह लेयर जमती है धातु ऑक्साइड की, अंदर वाली जो एल्यूमिनियम धातु है वह सुरक्षित हो जाती है। इस क्रिया को एनोडीकरण कहते हैं और एल्यूमिनियम के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे रासायनिक विलयन होते हैं जिनमें डुबाकर यदि रखें या जिसका लेपन हम धातुओं के ऊपर कर दें तो उससे धातुएं सुरक्षित हो जाती हैं, उनका संक्षारण रुक जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्षारीय क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। इसमें क्षारीय क्रोमेट
का विलयन होता है या फिर क्षारीय फास्फेट का विलयन होता है, जिससे हम धातुओं को इसमें डुबा कर रखें या इसका लेपन कर दें तो धातुएं सुरक्षित हो जाती हैं। इनके अलावा भी एक और महत्वपूर्ण विधि है धातुओं को संक्षारण से बचाने की, और वह विधि है धातु का को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देना। मिश्र धातु से तात्पर्य है, जैसे कि शब्द से ही आपको स्पष्ट होता है, इसमें एक से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है, या हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। और किसी भी एक शुद्ध धातु में कुछ अन्य धातुओं को मिश्रित कर दिया जाए तो उस धातु के गुणों में परिवर्तन आ जाता है, उसमें कुछ नई क्वालिटी उत्पन्न हो जाती है, और वो नई क्वालिटी या जो संक्षारण प्रतिरोधी गुण आ जाता है, इसकी वजह से भी धातुएं सुरक्षित हो जाती हैं, संक्षारण रोधी हो जाती हैं। और इसके लिए हम कई प्रकार की धातुओं को एक दूसरे में मिश्रित करते हैं और इसका मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु बनाने के कई कारण हैं, क्योंकि इनमें कई गुणों की वृद्धि हो जाती है, जैसे कि हम देखते हैं धातु की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना। आपने देखा होगा कि आपके घरों में तांबे के भी बर्तन होते हैं, लोहे के भी बर्तन होते हैं, स्टील स्टेनलेस स्टील के भी बर्तन होते हैं, और आपने देखा होगा जब आप इनका रखरखाव करते हैं या इन्हें साफ करते हैं तो आपको सबसे अच्छा बर्तन लगता है स्टेनलेस स्टील का, क्योंकि वह आसानी से साफ हो जाता है, चमकदार दिखाई देता है और उसमें जल्दी जंग भी नहीं लगती है। तो इस तरह से किसी धातु में हम कोई मिश्र धातु मिला दें तो उसके गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। ये जो स्टेनलेस स्टील होता है, जो लोहा होता है, वो काफ़ी नर्म होता है, लेकिन यदि इसमें एक निश्चित मात्रा में कार्बन मिला दिया जाता है तो इसमें मजबूती आ जाती है, वह आघात वर्धनीय हो जाता है, और जिसे हम स्टील या इस्पात कहते हैं। इसी तरह से जब लोहे में कुछ मात्रा में कार्बन के अलावा हम कुछ मात्रा में निकिल और क्रोमियम की प्रतिशत मिला देते हैं तो इससे जो मिश्र धातु तैयार होती है उसे हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील, और यह जंग रोधी प्रवृत्ति की होती है, और इसीलिए चूंकि इसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो जाती है इसीलिए बर्तन बनाने के लिए हम स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं। धातुओं को संक्षारण से रोकने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है, वह है धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करना, यानी कि एक शुद्ध धातु में कुछ मात्रा में किसी अन्य धातु का मिश्रण करना। इस तरह से जब हम एक शुद्ध धातु में किसी अन्य धातु की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तो जो मिश्र धातु तैयार होती है वह मिश्र धातु अपनी शुद्ध अवस्था से अधिक गुणवत्तापूर्ण हो जाती है और साथ ही साथ संक्षारण रोधी भी हो जाती है। इसके अलावा हम यहाँ पर बता दें कि जो मिश्रण है वह धातु का भी हो सकता है और अधातु का भी हो सकता है। इस तरह से मिश्रित कर देने से जो हमें मिश्र धातु प्राप्त होती है वह गुणवत्ता में अपनी शुद्ध धातु से बहुत अधिक बेहतर होती है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से कारण हैं जिनकी वृद्धि या गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए हम मिश्र धातु बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धातु की गुणवत्ता में चमक में वृद्धि करना। आपने देखा है कि आपके घरों में लोहे के भी बर्तन होते हैं, तांबे के भी बर्तन होते हैं और स्टेनलेस स्टील के भी बर्तन होते हैं, और जब आप सभी का रखरखाव करते हैं तो आप देखते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील का बर्तन होता है उसका रखरखाव काफ़ी आसान होता है, वह बड़ी आसानी से साफ हो जाता है, चमकदार दिखाई देता है और उस पर जंग भी नहीं लगती है, इसीलिए उसे हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं और इसीलिए ज़्यादातर बर्तन इसी के बनाए जाते हैं। वास्तव में ये जो स्टेनलेस स्टील होता है यह शुद्ध लोहे में, हम जानते हैं कि जो शुद्ध लोहा होता है उसमें कुछ प्रतिशत मात्रा में कार्बन मिला हुआ होता है जो कि उसे कठोरता देता है। इसके अलावा जब हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो इसमें कुछ मात्रा में निकेल और क्रोमियम धातु मिला देते हैं, यानी कि जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें मुख्य रूप से तो लोहा ही होता है लेकिन
इसमें लगभग 11% तक क्रोमियम धातु और लगभग 2% तक निकिल धातु होती है। अब जो क्रोमियम धातु होती है वह इस लोहे को जंग विरोधी गुण प्रदान करती है और जो निकिल धातु होती है उसे लोहे की धातु को अतिरिक्त चमक प्रदान करती है। और इस तरह से यहाँ पर जो हमें लोहा प्राप्त होता है यानी कि स्टेनलेस स्टील के रूप में जो धातु प्राप्त होती है वह अधिक चमकदार होती है और जंग विरोधी भी होती है। इसी तरह से धातु को अतिरिक्त कठोरता प्रदान करने के लिए हमने देखा था जब हम धातुकर्मी प्रक्रम पढ़ रहे थे लोहे धातु का, तो आपने देखा था कि जो वात्य भट्टी से निकलने वाला जो लोहा होता है या धातुकर्मी प्रक्रम से तैयार जो लोहा होता है वह काफ़ी नरम होता है, लेकिन इसमें कार्बन की एक निश्चित मात्रा रखकर हम लोहे को एक कठोर आघात वर्धनी लोहे में परिवर्तित कर देते हैं जिसे हम रॉट आयरन या पिटवा लोहा कहते हैं। और इस तरह से कार्बन की एक निश्चित मात्रा लोहे में जब मिल जाती है तो उसमें काफ़ी कठोरता आ जाती है और ऐसे कठोर लोहे को हम स्टील या इस्पात कहते हैं। और इसी का उपयोग हम औद्योगिक संयंत्र बनाने के लिए या फिर अपने घरों में जो ढांचा बनाना होता है उसके लिए हम इस स्टील का उपयोग कर पाते हैं। इसी तरह से यदि किसी धातु को मिश्र धातु में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसमें और भी गुण आ जाते हैं, जैसे कि इनकी विद्युत चालकता कम हो जाती है, साथ ही साथ इनके गलनांक भी कम हो जाते हैं, लेकिन इसका भी अन्य कई जगह पर उपयोग होता है। जैसे कि आपने देखा आपके घरों में पीतल धातु का उपयोग होता है, पीतल धातु कॉपर की मिश्र धातु है, यानी कि कॉपर में जब हम थोड़ी मात्रा में जस्ता मिला देते हैं तो हमें पीतल मिश्र धातु प्राप्त होती है। और हम जानते हैं कि जो कॉपर होता है वह विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, लेकिन पीतल विद्युत का कुचालक होता है। इसी तरह से यदि हम कॉपर धातु में थोड़ी मात्रा में टिन मिला दें तो हमें जो मिश्र धातु प्राप्त होती है उसे हम कांसा कहते हैं, और कांसा भी विद्युत का कुचालक होता है। यानी कि किसी शुद्ध विद्युत की चालक धातु में यदि हम अन्य धातु मिलाते हैं तो हमें विद्युत की कुचालक धातु प्राप्त होती है। इसके अलावा मैंने बताया कि धातु में कुछ अन्य धातु मिला देने पर इनके गलनांक में भी कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम टिन धातु में कुछ मात्रा में लेड धातु को मिला देते हैं तो इससे जो मिश्र धातु प्राप्त होती है जिसे सोल्डर कहा जाता है इसका गलनांक काफ़ी कम होता है और यह कम गलनांक पर कम तापमान पर ही पिघलने लगती है और जब हम ठंडी करते हैं तो यह आसानी से अपने स्वरूप में आ जाती है। तो इस तरह से जो विद्युत तार होते हैं उनकी वेल्डिंग करने के लिए यहाँ पर यदि विद्युत तार कहीं से टूट गया है कट गया है उसे वापस जोड़ना होता है तो इसके लिए हम सोल्डर का मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, यानी कि गर्म करने पर आसानी से पिघल जाती है जिसे हम विद्युत तारों के बीच में रख के चिपका देते हैं और जैसे ही इसे ठंडा करते हैं वो वापस अपनी धातु अपने रूप में आ जाती है और इस तरह से जो दोनों विद्युत के तार होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से लेड में टिन धातु में लेड धातु मिला देने पर वह मिश्र धातु बन जाती है और इसका गलनांक कम होता है और वेल्डिंग के लिए विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक धातु में किसी धातु या अन्य अधातु का मिश्रण कर देने पर हम एक नई प्रकार की मिश्र धातु प्राप्त होती है जिससे धातु की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है और यह जंग रोधी या संक्षारण रोधी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मिश्र धातु को बनाते कैसे हैं, तो बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है। जो भी शुद्ध धातु होती है उसे इतना गर्म किया जाता है कि वह अपनी पिघली हुई अवस्था में आ जाती है। जैसे ही यह पिघली हुई अवस्था में आती है उसे दूसरी धातु एक निश्चित मात्रा में मिला दी जाती है और इस तरह से दोनों धातुओं का एक समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है और धीरे धीरे फिर इन्हें ठंडा करकर जो सामान्य वातावरण का तापमान होता है वहाँ तक ले आया जाता है और इस तरह से हमें एक मिश्र धातु प्राप्त हो जाती है। मिश्र धातु का उदाहरण हम और भी देख सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं सोना।
सोने की ज्वेलरी बनाई जाती है। लेकिन हम बता दें कि जो शुद्ध सोना होता है, जो 24 कैरेट सोना होता है, वो काफ़ी नरम होता है और हम विभिन्न प्रकार की जो ज्वेलरी बनाते हैं वह इससे नहीं बना सकते, क्योंकि अगर ज्वेलरी बन भी गई तो वह हाथ से दबाने पर टूट जाएगी और हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए जो शुद्ध 24 कैरेट सोना होता है उसकी जगह पर उसमें कुछ मात्रा में चांदी या कॉपर मिला दी जाती है, यानी कि जो जेवर बनाने के, ज्वेलरी बनाने के लिए जो सोना उपयोग में लाया जाता है वह प्रायः 22 कैरेट का होता है और उसमें 22 कैरेट यानी कि 22 भाग सोना होता है और 2 भाग चांदी या कॉपर की होती है। और इस तरह से 22 कैरेट की जो मिश्रित धातु बनती है उससे हम आसानी से ज्वेलरी बना सकते हैं। इसी तरह से हम बता दें कि जो पारा है, हम जानते हैं कि पारा ही एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में मिलती है और पारे को किसी भी अन्य धातु के साथ मिलाकर मिश्रित धातु तैयार की जाती है जिसका विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों में उपयोग होता है। और इस तरह से जो पारे के साथ धातु को मिलाकर, मान लीजिए सोडियम धातु को मिलाकर हम मिश्रण बनाते हैं, उसे हम अमलगम कहते हैं। यानी कि यदि पारे के साथ सोडियम धातु मिलाकर मिश्रित धातु बनाई जाती है तो उसे हम सोडियम अमलगम कहेंगे। तो इसी तरह से जो भी पारे के साथ मिश्रित धातु बनाई जाती है उसे हम अमलगम कहते हैं, जिसका भिन्न भिन्न जगह पर उपयोग होता है। इसी तरह से मिश्र धातु का एक और अजूबा हमें दिखाई देता है, शायद आपने देखा भी होगा या सुना होगा। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है और बताया जाता है कि यह लगभग 1600 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था और यह खुले वातावरण में है जहां पर लगातार नमी और वायु के संपर्क में है, लेकिन फिर भी इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें शोध किए और बहुत सारे विदेशी वैज्ञानिक भी इसमें जंग न लगने के कारण के पीछे अचंभित थे। और हम ये बता दें कि ये हमारे भारतीय धातु कर्मीय प्रक्रम का एक अजूबा या नमूना है, एक उदाहरण है कि हमारे जो प्राचीन वैज्ञानिक थे वो कितने अधिक गुणी थे कि उन्होंने इस तरह से इतने वर्ष पूर्व इस तरह से स्तंभ बनाया, उसमें कौन कौन से पदार्थों को मिलाया, मिश्रित किया कि ऐसा लौह स्तंभ तैयार हुआ है जो कि जंग विरोधी है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। और हम आकार की दृष्टि से भी बता दें कि ये जो लौह स्तंभ है यह लगभग 8 मीटर ऊंचा है और इसमें 6000 किलोग्राम लोहा है, यानी कि यह 6000 किलोग्राम लोहे से बना हुआ है। बहुत अधिक शोध करने के बाद ये पता चला है कि इस लोह स्तंभ का जो धातु, मुख्य धातु है लोहा है, उसमें 98% तो लोहा है लेकिन बाकी के 2% में कुछ अन्य धातुओं भी हैं। मुख्य रूप से इसमें फास्फोरस है तथा कुछ मात्रा में सल्फर और मैग्नीज भी है। साथ ही साथ ये देखा गया है कि इस लोह स्तंभ की जो ऊपरी परत है उसमें धातु ऑक्साइड की परत है जो कि वातावरण के नमी और वायु से इसकी रक्षा करती है और जो कि इसे जंग विरोधी बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में भी संक्षारण विरोधी गुणों की जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को थी और उन्होंने इसका उपयोग करके एक नमूना, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसके गुणों के बारे में जानकर विदेशी वैज्ञानिक भी अचंभित हैं।